हमको अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करना है, यानी कि हम उसमें पेज नंबर डालना चाहते हैं, जो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे तो अपने आप ही अपना पेज जो है वो अपने आप उसमें इंसर्ट होता रहे। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये कि अपने आप एक बार डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर लिया और हम पेज नंबर जब डालते हैं तो हर पेज पे अपने आप नंबर आ जाता है। तो उसका तरीका ये है कि हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट है या जनरेटेड किया हुआ है तो हम इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट मेन्यू में रिबन में आपको ये टूल दिखाई देता है जो पेज नंबर आपको दिख रहा है। अब ये इसमें दो ये ऑप्शन दिया हुआ, एक तो टॉप ऑफ द पेज और बॉटम ऑफ द पेज। तो सपोज दैट हम इसमें टॉप ऑफ द पेज चूज़ कर रहे हैं, अगर टॉप पेज के टॉप में हम पेज नंबर डालना चाहते हैं तो ये डिफरेंट स्टाइल आपके सामने दिए गए, जो भी स्टाइल आपको पसंद है ठीक, तो वो स्टाइल हम इसमें चूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट हम ये वाला राउंड रेक्टेंगल ले लेते हैं ठीक। अब आप देखेंगे कि ये हमारा जो पेज नंबर अपना आप ऑटोमेटिकली आ गया ठीक है, 1, फिर देखेंगे आप 2, फिर देखेंगे आप 3। तो जो भी स्टाइल आपको आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से अच्छा लगता है और जो उसमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो वाला हम पेज नंबर या उस टाइप का पेज नंबर हम ले सकते हैं। तो ये था टॉप ऑफ द पेज की बात। अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द पेज पे अगर हमें पेज नंबर डालना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंसर्ट मेनू में आपका रिबन और रिबन में पेज नंबर और फिर बॉटम ऑफ द पेज वाले ऑप्शन पे हम आएंगे तो ये हमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ठीक है। तो जो भी स्टाइल हमको पसंद है या जो स्टाइल हमको सही लग रहा है और जो हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिट होता है तो वो हम इसमें चूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट ये हम ले लेते हैं ठीक। अब आप देखेंगे कि ये हमारा बॉटम ऑफ द पेज पर पेज नंबर आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर अपने आप इसमें इंसर्ट हो जाते हैं। ये बॉटम ऑफ द पेज में 1, बॉटम ऑफ द पेज में 2 एंड बॉटम ऑफ द पेज में 3 एंड बॉटम ऑफ द पेज में 4। लेकिन ये जो टॉप में जो आपको दिख रहा है बेसिकली ये आपको समझाने के लिए दिया गया है। ये नहीं कि आप क्या करें कि ऊपर भी टॉप ऑफ द पेज में भी पेज नंबर डाल दें और बॉटम ऑफ द पेज में भी पेज नंबर डाल दें, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, ना ही एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। तो ये ध्यान रखें, इसको इसका प्रैक्टिस आपको करना है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है कम से कम 5-10 पेज का और उसके बाद आपको उसमें दोनों टाइप से पेज नंबर डालकर देखना है, उसका इंटरफेस भी देखना है, उसका फॉर्मेट भी चेक करना है ठीक है। तो लेट्स प्रैक्टिस।